आज हम आपको थर्मल पावर प्लांट का सिंगल लाइन डायग्राम बताएंगे। सिंगल लाइन डायग्राम समझने के लिए आप सबसे पहले समझिए कि बॉयलर, ये तो बॉयलर है, तो बॉयलर में क्या आता है और क्या जाता है। याद रखने का ट्रिक है, अगर आप इसको बनाना चाहते हैं तो ये ट्रिक याद रखिएगा, हमेशा बॉयलर आप कभी भूलेगा नहीं, लाइक सिंगल लाइन डायग्राम आपको भूलेगा नहीं। सबसे पहले बॉयलर बनाइए, फिर बॉयलर में तीन एलिमेंट आते हैं और तीन निकलते हैं बाहर। तो तीन इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? पहला है कोयला, इसके अंदर आता है, ये देखिए कोयला इसके अंदर आया। फिर एयर इसके अंदर आई, भट्टी को एयर देते हैं ताकि वो अच्छा जले। फिर इस बॉयलर को पानी चाहिए उबलने के लिए, तो तीन आइटम इसको चाहिए, कोयला, हवा और पानी। अब इससे निकलेगा क्या? स्टीम निकलेगी, भाप निकलेगी, नंबर एक। दूसरा धुआं निकलेगा, यानी फ्लू गैसेस निकलेंगी, और तीसरा राख निकलेगा। तो तीन आइटम इसके अंदर आए और तीन गए। अगर ये चीज याद रखेंगे हमेशा तो कभी भी इसको नहीं भूलेंगे और आसानी से बना सकते हैं। फिर तीन चीजें जो निकली, उनमें सबसे पहले हम समझते हैं हीट। हीट निकल के कहाँ गई? तो हीट निकल के जाएगी टर्बाइन पे। तो टरबाइन पर जाने से पहले हम इसको थोड़ा और गर्म कर लें, इसका मतलब है सुपर हीटर से होते हुए जाएगी। ठीक, जब बॉयलर से स्टीम निकलेगी तो सीधे टरबाइन पे जाएगी, टरबाइन पे जाने से थोड़ा पहले थोड़ा हम और गर्म कर लें, इसका मतलब है कि सुपर हीटर लगाना जरूरी है, सुपर हीटर से होते हुए जाएगी। फिर टरबाइन पर जाके ये स्टीम गिरेगी, तो स्टीम टरबाइन पर पहुंचने से पहले हम कंट्रोल करना चाहते हैं कि हम इसको स्पीड को कम और ज्यादा कर लें, तो मतलब कंट्रोल वाल्व लगाना जरूरी है, तो ये हमने कंट्रोल वाल्व यहाँ पे लगा दिया। तो इस तरीके से हमको याद हो गया कि स्टीम जो बॉयलर से निकलेगी टरबाइन पर जाएगी, तो जाने से पहले हमें क्या क्या एलिमेंट लगाना है। बीच में सुपर हीटर लगता है और लगता है वाल्व। फिर इस बॉयलर से जो तीसरी दूसरी चीज निकलती है फ्लू गैस, फ्लू गैस कहाँ जाएगी? तो फ्लू गैस जाती है आपकी चिमनी में, ये यहाँ से निकल के चिमनी में चली गई बाहर। लेकिन चिमनी में बाहर चली गई तो ये फ्लू गैस गर्म होती है, धुआं है जो इसके अंदर से निकलता है, गैसेस गर्म है, तो इस गर्मी का हम फायदा उठाएं, और फायदा उठाकर क्या करेंगे, इस सुपर हीटर को हम इन्हीं गैसों से गर्म करेंगे, यानी इसके बीच में हम सुपर हीटर लगाएंगे। सुपर हीटर भी गर्म करेंगे, इकोनोमाइजर भी गर्म करेंगे, और एयर प्री हीटर भी गर्म करेंगे। जब इसके अंदर हीट है तो इसी हीट से हम तीनों चीजों को गर्म करेंगे। ठीक, तो इस तरीके से आप एक सीख सकते हैं कि फ्लू गैस चिमनी में जाएगी, लेकिन चिमनी में जाने से पहले किन किन चीजों को गर्म कर रही है? तो गर्म उन्हीं को करेगी जो बॉयलर में जा रही है। तो बॉयलर में क्या क्या जा रहा है? पानी जा रहा है और एयर जा रही है, तो एयर को भी गर्म करेगा, वो इकोनोमाइजर में जो वाटर है उसको गर्म करेगा, इसके अलावा जो टर्बाइन में स्टीम जा रही है उसको गर्म करेगा, तीनों चीजों को गर्म करेगा। राइट, अब तीसरी क्या चीज निकलती है बॉयलर से? वो निकलती है एस, यानी कि राख। तो राख जब निकलती है तो राख को हम राख हैंडलिंग प्लांट से एस स्टोरेज पे ले जाते हैं। तीनों चीजें हो गई, आप समझ गए क्या निकलता है और क्या इसके अंदर आता है। उसके बाद आप समझिएगा कि जो इकोनोमाइजर है, यानी बॉयलर में जो पानी आता है उसको कैसे व्यवस्थित किया जाता है। तो ये पानी इकोनोमाइजर में आता कहाँ से है? यहाँ पर ये नदी है, इस नदी से ये देखिए पंप लगा हुआ है, ये पंप इस नदी से पानी खींचता है, और पानी को यहाँ पर वाटर हीटर लगा हुआ है, इस वाटर हीटर से गर्म कर लिया जाता है, गर्म करने के बाद इस इकोनोमाइजर में भेजा जाता है। फिर इकोनोमाइजर में पानी को भेजने से पहले ही गर्म कर लिया जाता है, लेकिन उसको जब फ्री की गैस में मिल रही है फ्लू गैस, तो इकोनोमाइजर में थोड़ा और गर्म कर लेते हैं ताकि बॉयलर में पहुंचे तो वो थोड़ी पहले से ही गर्म रहे, बॉयलर के अंदर सिर्फ स्टीम बनना रह जाता है, बाकी पानी जो है पहले से उबलता हुआ होता है। तो ये जान गई आपकी इकोनोमाइजर में पानी कहाँ से आता है। ठीक, अब एयर प्री हीटर, जो कि एयर प्री हीटर से एयर होते हुए बॉयलर में जाती है, तो ये एयर प्री हीटर का काम है कि इस एयर को, इसके अंदर जो एयर है उसको और ज्यादा गर्म कर देना है। लेकिन ये एयर यहाँ से बनती नहीं है, एयर कहाँ से आती? एयर आती है इस पंखे से, इस पंखे का नाम है फोर्स्ड ड्राफ्ट फैन।
यानी ऐसा फैन जो कि हवा को झोंके में फेंकता है, झोंके से फेंकता है, बहुत ही फोर्सफुली फेंकता है। तो ऐसे ही झोंके से फेंकता है और इसके अंदर आता है, इस हवा को ये और ज्यादा गर्म कर लेता है ताकि थोड़ी भी नमी न रहे और भट्टी हमारी बहुत तेजी से जले। तो ये गर्म कर देता है, गर्म करने के बाद बॉयलर में पहुंचा देता है। ये हो गया एयर प्री हीटर, और इकोनोमाइजर भी समझ गए, सुपर हीटर भी समझ गए, तो इधर का सब कुछ समझ गए। अब क्या चाहिए था? टरबाइन पर जब भाप पड़ती है तो पड़ने के बाद क्या होता है, टरबाइन पर जब भाप पड़ती है तो भाप की स्पीड होती है, जब टरबाइन पर पड़ेगी तो टरबाइन नाचेगी। टरबाइन नाचने से अल्टरनेटर का जो शाफ्ट होता है, ये टरबाइन के शाफ्ट से कपलिंग किया जा होता है। तो जब कपलिंग किया होता है, इससे अल्टरनेटर भी घूमने लगता है। जब ये अल्टरनेटर घूमता है तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, जो कि बस बार में चली जाती है, या ग्रिड में कह दीजिए चली जाती है। और ये क्या चीज़ है? एक्साइटर है। एक्साइटर का मतलब ये है कि जो अल्टरनेटर है, अल्टरनेटर का एक पार्ट है एक्साइटर, ये डीसी सप्लाई इसको प्रोवाइड कराता है आर्मेचर पे, तब जाके इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है अल्टरनेटर में। तो उसके बाद ये टर्बाइन पर गैस जो पड़ी वो नीचे आती है कंडेंसेसर में। टर्बाइन तो हमारी थी, भाप थी यहाँ पर, और भाप इस पर पड़ी, और ये भाप आके टरबाइन पर पड़ने के बाद फिर रिलीज होती है, यहाँ मुक्त हो जाती है, और आगे कंडेंसेसर हम लगा लेते हैं। कंडेंसेसर में इसको फिर से ठंडा करते हैं, और ये फिर से ठंडा हो जाती है तो वो फिर से लिक्विड फॉर्म में आती है, और उसको हम पंप लगा के फिर से वाटर फीड में जाके इकोनोमाइजर में ले जाते हैं। और इस तरीके से ये साइकिल चलता रहता है कि ये इकोनोमाइजर वाटर पंप से हम इकोनोमाइजर में ले जाएंगे, बॉयलर में जाएगा, फिर स्टीम बनेगा, टरबाइन पे आएगा, फिर कंडेंसेसर उसको ठंडा करेगा। ये साइकिल बना रहता है, पानी गर्म होता है, भाप बनता है, फिर ठंडा होता है, फिर पानी बनता है, ऐसे चलता रहता है। तो हम आशा करते हैं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, किस तरीके से इसको बनाएंगे, कैसे याद रखेंगे, ये भी समझ में आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो फिर इसको लाइक करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम अपना वीडियो यहीं से समाप्त करते हैं। धन्यवाद।